हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 की कविता के अंतर्गत अकाल और उसके बाद कविता की व्याख्या करेंगे। तो आइए, प्रस्तुत है यह कविता जिसके रचनाकार नागार्जुन जी हैं। नागार्जुन प्रगतिशील काव्यधारा के सबसे सशक्त कवि हैं। उनका संपूर्ण साहित्य जनचरित्री है। एक जन कवि के रूप में उनकी प्रतिष्ठा सबसे बढ़कर है। हिंदी साहित्य जगत में नागार्जुन उपनाम से प्रसिद्ध है तो मैथिली में यात्री नाम से। नागार्जुन प्रगतिवादी विचारधारा के लेखक और कवि हैं। इनमें परंपरा और समसामायिक संघर्ष चेतना का अद्भुत समन्वय दिखाई पड़ता है। उपन्यास, कहानी और कविता के क्षेत्र में समान अधिकार के साथ लिखते हुए नागार्जुन की रचनाएं विपुल मात्रा में प्रकाशित है। गद्य और कविता दोनों लिखते हुए भी नागार्जुन मूलतः कवि हैं। सब मिलाकर उनके 20 काव्य संग्रह प्रकाशित हैं। उनके कृतियों की संक्षिप्त सूची इस प्रकार है। उनके द्वारा लिखे गए काव्य युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली। उनके द्वारा लिखे गए उपन्यास रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, दुख मोचन, वरुण के बेटे। उनके द्वारा लिखे गए कहानी संग्रह आसमान में चंदा तैरे, लघु प्रबंध में एक व्यक्ति एक युग, निराला के विषय में। नागार्जुन ने विपुल मात्रा में कविताएँ लिखी है, जिनमें से अधिकांश रोज़मर्रा घटित होने वाली अखबारी समाचारों से संबंध है। ऐसी कविताएं सपाट, उबड़ खाबड़, दलीय और पोस्टरीय है। इन्हें नुक्कड़ कविताओं की संज्ञा दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त इनके पास ऐसी कविताओं की भी भरमार है जो जीवन दृष्टि और कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नागार्जुन की कविताओं का मूल स्वर उनकी जनपक्षधरता है। नागार्जुन के विषय में यह कहा जाता है कि वे अपने पूरे काव्य दौर में शायद उन थोड़ी से प्रगतिशील परंपरा के कवियों में एक हैं जिन्होंने अपनी समूची काव्य सर्जना पश्चिम की ओर पीट करके लिखी है। आंदोलनों की आंधी आती रही जाती रही, पर नागार्जुन अकेले निर्भय अपने काव्य पथ पर आगे बढ़ते रहे। उन्होंने अपनी कविता के जरिए भारतीय समाज के ठेठ समाज के ठाट को जिस मस्ती और पस्ती के साथ चित्रित किया है, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक काव्य मॉडल है। नागार्जुन की कविता ऊपर से जितनी सरल, सपाट, मुंहजोड़ और मुंहपट दिखाई पड़ती है, वह भीतर से उतनी ही अनुशासित है। तो आइए, प्रस्तुत है यह कविता। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। नागार्जुन अपनी कविताओं में जन समस्याओं को लेकर उपस्थित होते हैं। इस संदर्भ में अकाल और उसके बाद शीर्षक कविता बहुत महत्वपूर्ण है। इस कविता में निर्धन परिवार की स्थिति को नग्न व यथार्थ रूप में चित्रित किया गया है। 8 पंक्तियों की यह छोटी कविता अपने प्रभाव में तीखी है। इतने कम शब्दों में अकाल के बाद की ऐसी नग्न तस्वीर नागार्जुन जैसे समर्थ कवि से ही संभव है। चक्की का उदास होना और चूल्हे का रोना एक अरसे से अपनी अनुपयोगिता के कारण है। इनके उपयोग से मनुष्य का जीवन गतिमान रहता है, पर अकाल से उत्पन्न परिस्थिति ने चूल्हे और चक्की को निष्क्रिय कर रखा है। इनका रोना और उदास होना वस्तुतः अकाल पीड़ित घरवालों के दुख में शामिल होना है। कुतिया भी घरवालों की सहानुभूति में उनके साथ है, इसलिए कई दिनों से वह उनके साथ ही सो रही है। कुतिया का कानी होना अन्न से जुड़े उसके किसी यथार्थ को व्यक्त करता है।
संभवतः संपन्नता के दिनों में यह कुतिया रोटी के टुकड़े के लिए प्रयास करती हुई आहत हुई होगी और एक आंख से जख्मी हो गई होगी, लेकिन आज वह भी सहानुभूति में उन घरवालों के साथ है। अकाल के बाद का समय है, अतः कई दिनों से बत्ती नहीं जली। ऐसे में पतंगों ने आना बंद कर दिया, परिणामतः छिपकलियों का भोजन के लिए शिकार गश्ती का कोई अर्थ नहीं। स्थिति तो यह है कि चूहों की भी हालत खराब है। कविता की प्रथम चार पंक्तियां नागार्जुन के कला कौशल में मूर्त विधान की महिमा का प्रमाण प्रस्तुत करती है। चूल्हा, चक्की, कानी, कुतिया, छिपकलियों और चूहों ने मिलकर अकाल के बाद की स्थिति की भयावहता को मूर्त कर दिया है। इस वर्णन से अकाल पीड़ित निम्न मध्यवर्गीय परिवार का चित्र उभरता है, क्योंकि उसमें चूल्हा चक्की भी है और रोज दिया भी जलता है। कविता की एक बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी आदमी का चित्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। चूल्हा चक्की, छिपकली, कानी कुतिया और चूहे ने मिलकर अकाल पीड़ा की जो दास्तान प्रस्तुत की है, उससे मनुष्य की स्थिति सहज अनुमेय है। दूसरे बंद में यानी अंतिम चार पंक्तियों में अकाल की भयावहता का चित्रण नहीं है, बल्कि उसकी छाया के हटने का चित्रण है। इस बंद में उत्साह और उल्लास का वातावरण चित्रित है। कई दिनों के बाद घर में अन्न के दानों का आगमन हुआ है, चूल्हा जल उठा और उसका प्रमाण उससे निकलने वाले धुएं का आंगन से ऊपर उठना है। इस धुएं से कई प्राणियों की प्राण रक्षा का सवाल जुड़ा हुआ है। कौवे ने पाख खुजलाई है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि घर में खाना पक रहा है। पके हुए भोजन के कुछ दाने तो उसे अवश्य मिलेंगे, इसी आशा में उल्लासित होकर वह अपनी पाख खुजलाता है। विविच्य कविता यथार्थ के दोनों पहलुओं को समेटती है। त्रासदी केवल दुख में ही नहीं, सुख में भी है। सुख और दुख दोनों यथार्थ चित्र हैं। अकाल के समय अन्न का अभाव जिस वातावरण को सृजित करता है, अन्न का आगमन उस वातावरण की भयावहता को किसी रूप में कम नहीं करता। कौवे का पंख खुजलाना इसी ओर संकेतित है। रिलीफ के माध्यम से मिलने वाली राहत और उस राहत से संबंधित राहत कर्मियों की प्रवृत्ति को परिभाषित करने के लिए कौवे का पंख खुजलाना मुहावरे का प्रयोग पर्याप्त है। यह राहत कर्मियों की लूट खसोट की तैयारी का साफ संकेत है। इस कविता में कई दिनों तक और कई दिनों के बाद की आवृत्ति हुई है। कविता की प्रभावोत्पादकता इसी में निहित है। कवि ने अपनी बात पर जोर देने के लिए ऐसा किया है। जोर देने का यह अंदाज ही कविता की ताकत बन जाता है। सच तो यह है कि कविता का सारा दारोमदार उस आवृत्ति पर ही निर्भर है।